नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज आपके सामने है जॉन डियर 5210 गियर प्रो मॉडल। तो आज की वीडियो में आपको इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक्टर आपको 4x4 में भी मिल जाता है, पर अभी आपके सामने 4x2 है। तो अगर हम बात करें इस 5210 की, तो जॉन डियर ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी इस ट्रैक्टर में। फ़ीचर्स को लेकर भर भर के उन्होंने अपने इस ट्रैक्टर में फ़ीचर्स डाल रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर के वेट एंड डाइमेंशंस के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है 2110 किलो वजन। ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है वो 2050 mm है और ट्रैक्टर की लेंथ है 3535 mm। वृत्त की बात करें तो 1835 mm इसकी वृत्त है। ये ट्रैक्टर आपका बड़े ट्रैक्टरों की श्रेणी में आता है, पर जॉन डियर के आपको सभी ट्रैक्टर लुक में सेम देखने को मिलेंगे। पूरी बॉडी शेप आपको एक जैसी मिलेगी। ट्रैक्टर का पेंट जो है हरे रंग का है और रिम के ऊपर इन्होंने पीला रंग कर रखा है। ऊंचे पायदान वाले ये ट्रैक्टर हैं और कुछ फीचर्स इनके जो हैं हर ट्रैक्टर में सेम मिलेंगे देखने को। तो चलिए बात करते हैं हम इस ट्रैक्टर के इंजन से। इसमें आपको मिलता है 3 सिलेंडर 2900 cc का इंजन, जो कि आपको 50 HP की पावर देता है। बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे इसके 3 सिलेंडर और बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप। यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके डीजल फिल्टर। और इस ट्रैक्टर में आपको दोनों तरफ हीट गार्ड जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ट्रैक्टर के इंजन की हीट ड्राइवर तक नहीं पहुंचने देता, जिससे वो और लंबे समय तक काम कर सकता है। दूसरी साइड से आपको कुछ इस तरीके का इसका इंजन देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको डीजल वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाएगा और ट्रैक्टर का सेल्फ देख रहे होंगे आप। तो आगे से हम देखते हैं अब इस ट्रैक्टर को, और उससे पहले मैं आपको इसकी जो है ये स्टिकर दिखा देता हूँ, जो इसके ऊपर बैजिंग लगी हुई है। तो ये ट्रैक्टर आपका जून 2021 का मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी पीटीओ पावर है 42.8, आपने लिखी हुई देखी भी होगी। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ से। तो आगे आपको इसमें मिलते हैं 6/50/20 के टायर और पीछे आपको इसमें मिल जाते हैं 16/9/28 के टायर आपको इसमें पीछे मिल जाते हैं। अब चलते हैं हम ट्रैक्टर के फ्रंट की तरफ और शुरुआत करते हैं एकदम फ्रंट से, क्या क्या चीज़ें हमें इस ट्रैक्टर में मिलती हैं कंपनी से। तो आगे आप देख रहे होंगे अभी ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी बम्पर या वेट नहीं लगा हुआ है। नॉर्मल आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलती है, कोई भी LED लाइट नहीं है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दे रखी है और ये यहाँ पर आप चाबी लगाकर इसका बोनट कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। बोनट में आपको जैक्स भी दे रखे हैं और आपको सबसे आगे बोनट में इसकी बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आपको इसका ड्राई क्लीनर एयर फिल्टर मिलेगा। ये इस ट्रैक्टर का कूलेंट टैंक है। ये ट्रैक्टर आपका कूलेंट कूल्ड में मिलता है। तो ये इंजन जो है आपका जॉन डियर का, ये टर्बोचार्ज इंजन है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस ट्रैक्टर का स्टेयरिंग। तो इसमें आपको मिलता है सिंगल एक्टिंग रोड पावर स्टेयरिंग। ट्रैक्टर का पावर स्टेयरिंग बहुत ही बढ़िया है, कामयाब पावर स्टेयरिंग है जॉन डियर ट्रैक्टर के, क्योंकि ये ट्रैक्टर शुरू से ही साइड शिफ्टिंग में और पावर स्टेयरिंग में आते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऊँचे पायदान वाला ये ट्रैक्टर है साइड शिफ्टिंग में, बीच में आपको काफ़ी जगह मिलती है। ट्रैक्टर के अंदर ड्यूल क्लच है, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। आज के टाइम में ड्यूल क्लच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडजस्टेबल आपको इसकी सीट मिल जाती है, जिसको आप अपनी लंबाई के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। काफ़ी लंबी इसकी जो है ये जगह है, जिसे आप आगे पीछे आसानी से कर सके, अपनी आगे और जगह बना सकते हैं। दोनों ही मरगाड़ के ऊपर आपको सपोर्ट रोड देखने को मिल जाएंगी और एक मरगाड़ पर आपको पीछे जो है टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। तो जैसे इस ट्रैक्टर में 2110 किलो वजन है, 2000 किलो लिफ्ट कैपेसिटी एक बहुत बड़ी बात है। ट्रैक्टर की जो डीजल की टंकी है वो आपको पीछे देखने के लिए मिलेगी जॉन डियर ट्रैक्टर में, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 68 लीटर की है। लिफ्ट्स में आपको जैक्स वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। दो प्रेशर पंप मिलेंगे, जिनका आपको सेपरेट लीवर देखने के लिए मिल जाए। तो अभी आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट्स देख लीजिए कि किस तरीके की लिफ्ट आपको इस ट्रैक्टर में देखने के मिल जाती हैं। काफ़ी हैवी लिफ्ट हैं ट्रैक्टर की, तभी इनकी कैपेसिटी 2000 किलो की है। अभी आप देख लीजिए पीछे की लाइट भी आपको नॉर्मल मिलती हैं, कोई भी LED लाइट पीछे की तरफ भी नहीं है। तो इस ट्रैक्टर में जो आपको क्लच और ब्रेक की शेप है वो थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल ब्रेक मिल जाते हैं, ट्रैक्टर के ब्रेक बहुत ही शानदार हैं। यहीं पर आपको रेस पैंडल जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिफ्ट के कंट्रोल। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे पानी की बोतल की जगह है, और ये इस ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक है, जिससे आपके पीछे के दोनों पहिए एक साथ जोड़ लगाते हैं। तो ये वो डिफरेंशियल लॉक है, ये आपको 4x4 वाले ट्रैक्टर में भी मिल जाता है, जिससे आपके चारों पहिए एक साथ चलने लगते हैं 4x4 के। ये इस ट्रैक्टर के लिफ्ट के कंट्रोल है। उसी के साइड में आप देख लीजिए ये लीवर आपका प्रेशर पंप्स का है, जिसकी मैंने अभी पीछे बात की थी। लिफ्ट के कंट्रोल्स पर आपको जो है नंबरिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी।
तो अभी चलते हैं ट्रैक्टर की सीट पर और बैठकर देखते हैं जॉन डियर पर बैठकर कैसा लगता है। ट्रैक्टर की हाइट काफ़ी ऊंची है, लगता है बैठकर कि हाँ किसी हाथी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं। मीटर आपको इस ट्रैक्टर का एकदम सिंपल देखने को मिल जाएगा, तेल वगैरह की सुई है, घंटे का मीटर आपका डिजिटल है। जैसे कि मैंने आपको बताया पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर है, तो स्टीयरिंग का साइज़ नॉर्मल रखा गया है और जिसकी हाथ वाली रेस है वो ऊपर से नीचे नहीं होती, जॉन डियर की नीचे से ऊपर होती है। आप देख रहे होंगे इस पर जो निशान बना हुआ है उससे भी देखकर समझ में आ जाता है। यहीं पर आपको नॉर्मल और चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे मोबाइल चार्जिंग की जगह, उसी के नीचे आपको एक डब्बा सा भी मिल जाएगा जिसमें आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर इसमें रख सकते हैं और आसानी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। नीचे ही आपको इसका इग्निशन ऑफ करने का लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। इधर ही इसकी ट्रैक्टर की चाबी लगती है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस ट्रैक्टर का गेयर बॉक्स। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है 12+4 स्पीड का गेयर बॉक्स। इसमें आपको मिलते हैं 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर और इसी में आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक का ऑप्शन। आप देख रहे होंगे पी लिखा हुआ है, अगर आप इसे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ खींच देंगे तो इस ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक लग जाएगा। इसका हैंड ब्रेक इन्होंने गियर में दे रखा है तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। आप आसानी से गियर न्यूटन करते टाइम ही अपना ट्रैक्टर जो है हैंड ब्रेक में डाल सकते हैं। ये लीवर आपका प्रेशर पंप का है। अभी देखते हैं इस ट्रैक्टर का लो हाई गियर। तो ये ट्रैक्टर आपको मिलता है ABC गियर बॉक्स में, जिसमें आपका ए गियर आपका लो का होता है, बी उससे तेज, सी उससे और तेज और डी आपका फुल हाई गियर इस ट्रैक्टर का है। तो ये आपको रिवर्स में भी 4 स्पीड मिल जाती हैं और फॉरवर्ड में भी। ये इस ट्रैक्टर का ड्यूअल क्लच है, तो इसका ड्यूअल क्लच जो है आपको हाथ में मिलता है, मतलब ये PTO वाला क्लच आपको हाथ में मिलता है। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, मतलब ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं रहता एक ही क्लच के ऊपर, इन्होंने सेपरेट क्लच कर रखा है। ये इस ट्रैक्टर का पेले रंग वाला दूसरा नीचे आपको PTO गियर मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं ड्यूअल PTO, तो ये ट्रैक्टर आपका ड्यूअल PTO में है, मतलब रिवर्स PTO में। अभी मैं आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाता हूँ। भाइयों आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आपको मैंने लगभग सारे फीचर्स जो हैं जॉन डियर 5210 के बताए हैं आज की वीडियो में। इस ट्रैक्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ड्यूअल क्लच हाथ में दे रखा है, ट्रैक्टर के अंदर ड्यूअल PTO है, एक आपको स्टैंडर्ड मिलती है 540 चक्कर पर 2100 रेटेड RPM पर और दूसरी आपको इकोनॉमी मिलती है जो आपके 540 चक्कर पर 1600 रेटेड RPM पर मिलती है। 68 लीटर का काफ़ी बड़ा आपको इसके अंदर डीजल टैंक मिल जाता है जो आपके लंबे समय तक खेत में काम कर सकते हैं, मतलब पूरे दिन काम करना है तो आपको दोबारा डीजल भरवाने नहीं जाना पड़ेगा। लिफ्ट कैपेसिटी भी ट्रैक्टर की बहुत बढ़िया है 2000 किलो की। तो ये सारे फीचर्स काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं इन्होंने अपने ट्रैक्टर में। कीमत की बात करें तो आप नज़दीकी डीलर पर जाकर इस ट्रैक्टर की कीमत पता कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।